हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। भाई थक गया मैं घर से आते हुए। ये देखो इस गांव से आया हूँ मैं, ये सामने पूरा चढ़ाई करके। अभी इस जगह तो तुम जा नहीं गए होगे, बहुत बार तुमने वीडियोस में देखी होगी वाली जगह। नहीं तो मन्नू का घर जब मैंने क्रॉस किया तो मैंने मन्नू को बहुत याद किया। क्या क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? तो मैंने मन्नू को बहुत याद किया। Why are you gay? हालांकि जब भी काम होता है तभी घर पर नहीं होता है वो। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? गाड़ी की जरूरत होती है तब बहुत याद आती है मन्नू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसी बात नहीं है कि मन्नू की याद तभी आती है जब गाड़ी चाहिए। नहीं, मन्नू की याद हर रोज इसलिए नहीं आती क्योंकि हर रोज हम गेम खेलते हैं साथ में, तो वहाँ पर बेइज्जती गालियाँ चलती है एक दूसरे की, तो हो जाता है याद कर लेते हैं हम मन्नू को, मतलब ऐसे गजब बेइज्जती है। बट आज काफी आई और दिन भी पहले भी बहुत बार आई जब वो साला घर पर नहीं होता, तभी नहीं होता जब जरूरत होती है उसकी। बट ऐसी बात नहीं है, मन्नू बहुत ही अच्छा इंसान है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जब उसके बच्चे इन व्लॉग्स को देखेंगे कभी। अबे साले, तो देखो तुम्हारा बाप बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा खड़ूस हो सकता है तुम्हारे साथ, बट है बड़ा मस्त बंदा, मतलब अपने टाइम में वो मस्त था। इन फ्यूचर क्या पता क्या बन जाए, कुछ कोई पता नहीं होता लोगों का। और तुम्हें खुश भी होना चाहिए कि उसको किसी ने लड़की दी, हालांकि उसको तो दे ही देंगे, उसकी शक्ल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, ज़मीन भी अच्छी है, तो मतलब तो उसकी शादी तो हो ही जाएगी। हमारी ना शक्ल अच्छी है, बॉडी तो फिर रहने दो, बाकी जमीन देखकर हमारे तो कोई नहीं आएगी। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता है। अरे कहाँ चले गए हम यार, शादी ब्याह की बातें करने लग गए, अब उम्र हो रही है ना इसलिए यही आता है जुबान पर। बट आज मैं जा रहा हूँ दार्ला, और क्यों जा रहा हूँ, ऑफकोर्स कुछ सामान लाने जा रहा हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ, बट बहुत जरूरी सामान है, बहुत ज्यादा जरूरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कैमरा, यस हमने कैमरा ऑर्डर कर लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं ब्लॉग्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बात करता है यार। बट वैसे कर दिया करेंगे कभी कभी, बट हाँ ब्लॉग्स के लिए नहीं है, मेन यूट्यूब के लिए है वो, मेन चैनल के लिए है वो, बट ब्लॉग्स वगैरह कभी शूट कर लेंगे उससे। बट हाँ यार फाइनली कैमरा ले ही लिया तुम्हारे भाई ने, लैपटॉप ले लिया, कैमरा ले लिया, पूरा स्टूडियो बना दिया भाई एक साल के अंदर। वाह, एक साल भी नहीं, जनवरी से या फिर मार्च से कुछ हम थोड़ा स्टार्ट हुए थे चीज़ें इकट्ठी करना, और अभी बहुत कुछ कर लिया यार, खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैं मिड वे ही बोलूँगा इसको, क्योंकि गांव से इधर तक पूरी चढ़ाई, पूरा पसीने से फुल, और साथ में मैं हैंकी भी नहीं रखता हूँ। हैंकी कौन होता, रुमाल होता यार। तो अभी मैं डालना जाऊँगा, चलते हैं यार, अब थोड़ी हवा आ गई और पसीना तो वैसे ही रहेगा, ये तो सूखने वाला नहीं है। तो अभी चलते हैं, करते हैं पिकअप अपना कैमरा जल्दी से, और फिर घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी। खुशी देख रहे हो मेरे मुंह पर। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। भाई वहाँ से आया हूँ मैं, मौसम का कुछ पता नहीं है, बादल है बट गर्मी इतनी गंदी कि भाई पसीने से बुरा हाल, बहुत बुरा हाल, बहुत गंदी गर्मी है। पता इतना पैदल क्यों आना पड़ता है, मेरे को तो वैसे भी आना पड़ता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बट यहाँ पर रोड टूट गया हमारा कम्प्लीटली, इस पॉइंट पर जहाँ पर लोग दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ पर डंगा लग रहा है दूसरी साइड से, पूरा गिर गया था तो कम्प्लीटली रास्ता बंद, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत घूम के जाना पड़ता था वहाँ से, ये तुम्हें दूसरी साइड दिख रहा ना पहाड़, उससे नीचे साइड से घूम कर आना पड़ता। मेरे को तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि मेरे पास गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है, बट हाँ घूम कर जाना पड़ता है बहुत, तो दूसरे कोई मतलब तो वैसे भी चांसेस नहीं होते, तो अभी भी नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है मेरे को यार। हालांकि मैं कैमरा के बदले गाड़ी ले सकता था, बढ़िया मारुति 800, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे को चलानी भी नहीं आती और लाइसेंस भी नहीं है अभी। भाई क्या बाल हो, अभी कटिंग भी करवाऊंगा मैं, बाल बहुत झड़ रहे यार, बहुत ज़्यादा। 2000 years later फाइनली गाइस दार्ला से वापस आ चुका हूँ, और ये सामान पीछे, अब मैं बैग में पूरा आ नहीं रहा था, ये ट्राईपॉड है कैमरा के लिए, ऑफकोर्स ट्राईपॉड चाहिए होगा, हाथ में पकड़ कर तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं उससे, व्लॉग की अलग बात होती है, बट जब तुम रूम में बैठ कर शूट कर रहे हो तो ट्राईपॉड चाहिए। दो तीन और चीज़ें थी, एक स्क्रीन गार्ड है एंड एक लेंस कैप, वो भी है, वो बैग में ही है, कैमरा भी है, अभी मैंने ओपन नहीं किया उसको, मैंने बस उसको वो देख लिया था कि उसमें सील लगी है तो ठीक है, घर जाके ओपन करेंगे।
और क्या, मैं नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस खाता है और एडिट करने में भी पंगा जाता है। 1080p इज मोर देन इनफ, उसमें भी बहुत है, 4K भी उसका बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी चीज़ लेता हूँ वो बढ़िया ही लेता हूँ, तुम्हें पता है। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग बोलेंगे कि स्पॉन्सरशिप नहीं, खुद के पैसों का ये भाई, ठीक है, हर चीज़ स्पॉन्सरशिप वाली नहीं आती मेरे पास। हालांकि मैंने ट्राई किया था बट सोने वालों ने मना कर दिया, तो खुद ही लेना पड़ा। तो ये चीज़ मत बोला करो हर बार की स्पॉन्सरशिप या फिर कंपनी ने दिया है, हर चीज़ नहीं होती मेरे पास। कुछ चीज़ें होती है जैसे कि वो मॉनिटर्स है 2-2 लाख के, ऑफकोर्स उतना मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, और अगर होता है मेरे पास पैसा तब भी मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरा स्टूडियो इतना ख़तरनाक नहीं है अभी कि मैं इतना महंगी चीज़ें लूँ। बट कंपनीज दे देती है तो हमें क्या ही प्रॉब्लम है, हम मना थोड़ी करेंगे इतनी अच्छी चीज़ को कि नहीं रहने दो यार, बहुत महंगी है। बट हाँ, ये खुद के पैसों से, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेता हूँ जो खुद के पैसों से ही होती हैं, तो ये मत बोला करो हर बार की स्पॉन्सरशिप नहीं। तो अभी घर जाके इसको अनबॉक्स करते, भाई लटका हुआ है पूरा पीछे में ग्राउंड में। अभी घर जाएंगे, अभी मैं उसी जगह पर पहुंच चुका हूं, और इसी से आगे वो हमारा हवा घर भी है। अभी तो थोड़ी छांव आ चुकी है भाई, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी, गर्मी में तंदूरी बन जाता भाई मेरा इधर। घर जाके एक्साइटमेंट है कि ओपन करूंगा, बट उतनी नहीं रही अब मेरे को यार, पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी मेरे को चीज़ों को अनबॉक्स करने की एक्साइटमेंट। ये इतने अच्छा, मैंने वो पिया मरिंडा यार, मैं बोलूँ इतने ऑरेंज क्यों हो रखे ये। तो पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी, अब होती ही नहीं है चीज़ों को खोलने की। मेरे पास महीना महीना भर पड़ी रहती है चीज़ें, मैं खोलता नहीं उनको, बॉक्सेस महंगी चीज़ें, अब उतना नहीं रहा। पहले बहुत होता था भाई, छोटी 100-200 रुपये वाली चीज़ें लाऊँ ना, एकदम से खोल देता था मैं कि भाई क्या आया है कैसा होगा। अब उतनी नहीं रही है, कैमरा की थोड़ी है कि भाई ये तो नई चीज़ है क्यों। तो उसे अभी घर जाके खोलेंगे और तुम्हें दिखाऊंगा थोड़े बहुत शॉट उसके। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ यार, बहुत जंगल है इधर बीच से, मैन वर्सेस वाइल्ड बन के निकलना पड़ता है मेरे को। बाय, मिलता हूँ घर में। यो, ये है मेरी पहली वीडियो सोनी ZV-E10 से। मुझे अभी कुछ पता नहीं है इसका, मेरे को सेट करना पड़ेगा सब कुछ, मेरे को पता है। बट हाँ, कुछ ऐसा है मतलब एक हाथ की दूरी पर तो ऐसा इतना आ ही जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ स्टेबलाइजेशन नहीं है जितना मुझे पता चल रहा है, बट ठीक है, इतना दिल को अच्छा सुकून मिल रहा है, बढ़िया दिख रहा हूँ ना मैं। अरे क्या है इसमें, कौन सा है ये, HD है कि 4K है पता नहीं, बट जो भी है। तो ये है मेरी पहली वीडियो जो तुम देख रहे हो, तो बस ये यही था, ठीक है, इतना शॉर्ट लूँगा मैं। अब मेरे को गेम खेलना है PUBG BGMI अपने दोस्तों के साथ।